हेलो दोस्तों, आपकी दोस्त आपकी होसी ज़हीर आज हम आए हैं टेरेस गार्डन पर। टेरेस गार्डन में अभी हमने बहुत सारा अपना इसको देख सकते हैं, साफ़ सफाई की है और इसको कायदे से लगाया है। अब हमने जगह जगह ये सारी हमने अंदर की भी सफाई कर दी है, जो हमारा एक छोटा सा स्टोर रूम था। ये क्या कहते हैं, बैंगन वगैरह सब हमने सही कर दिए हैं। कुछ मैंने इस तरह की मचान लगा के दो उन पे पौधे रख दिए हैं। साथ में ये जिस दिन मैं सफाई कर रही थी तो मैंने यहाँ पे कुछ बीज भी बो दिए थे, देख सकते हैं बोए थे पालक के। पालक के बीज आ तो गए हैं, लेकिन इसके साथ में आप देख सकते हैं ये जो है घास बहुत आ गई है। सो अब हमें इसको निकालना है, क्योंकि अगर हम घास नहीं निकालेंगे तो इसके नीचे पालक सारी दब जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो ये इस तरह से ये घास निकल आएगी, तो इसे हम निकाल के एक तरफ डालते जाएंगे, क्योंकि जब ये सूख जाएगी तो ये हम गमले में जब लगाएंगे तो उसके बीच में डाल देंगे सबसे नीचे, और उसके बाद हम कुछ इसमें लकड़ियाँ वगैरह डालेंगे छोटी छोटी सी, तो ये हमारी घास जो है धीरे धीरे करके वो बन जाएगी खाद। सो आपको ये सब देख के कैसा लगा, टेरेस गार्डन मेरा कैसा लगा आप बताएं। ये देखें कद्दू की बेल है जो बहुत अच्छी चढ़नी शुरू हो गई है। ये खीरे की है, ये मेरा पास पॉट पड़ा था, मैंने इसी में लगा दिया है। ये मेरे यहाँ पे अमरूद के पौधे हैं, ये बैंगन है, और ये जो बैंगन है ये ग्रीन कलर के आते हैं कुछ इस तरह के, और इसमें से हम अब तक 3 हार्वेस्टिंग ले चुके हैं जो हमने खा लिए हैं। ये इसमें भी हरे बैंगन लगे हुए हैं, और ये सब नींबू के पौधे, फ्लावर्स के पौधे हैं, ये तुलसी। साथ में आप देख सकते हैं ये जो घास लगी हुई है ना बड़ी बड़ी, इसमें मिर्ची के पौधे लगा रखे हैं। सो उसको भी धीरे धीरे करके अब रोज़ का एक एक गमला सेट करना पड़ेगा, क्योंकि घास बहुत ज़्यादा है। और ये मैंने घिये की बेल और लगाई थी जो कि अब निकल आई है, देखें 3-3, 4-4 लगाई थी, लेकिन पौधा सिर्फ एक ही निकला है। और ये जो कागजी नींबू है ये भी देखें तैयार होता जा रहा है धीरे धीरे करके, इसको मैंने इसमें लगा रखा है कैरेट में। 2-3 साल पहले मेरे जेठ के बेटे ने यहाँ पे फ्रूट की दुकान की थी, तो उसमें बहुत सारे क्रेट आते थे रोज के रोज़। ये पालक इसमें से भी 2 बार हार्वेस्टिंग ले चुकी हूँ मैं, हार्वेस्ट किया हुआ है, बहुत टेस्टी बनता है पालक। और ये देखिए फ्लावर, एक ही में कम से कम 8-8, 10-10 हैं, और ये भी बहुत खूबसूरत आते हैं इसमें। ये मैंने सरसों लगा रखी है, इसमें भी देखें कितनी घास है, धीरे धीरे करके सब निकाल लिए हैं। और ये गुलदावरी का फूल है, देखें ऑरेंज कलर का आया, इसमें रेड कलर का आता है, और ये जो है इसमें पिंक कलर का आएगा। ये सब मैंने सरसों और भी लगा रखी है, क्योंकि कोई आता है तो उसको गिफ्ट करने में अच्छा लगता है घर की उगी हुई सब्जियाँ। ये मेरी बेल जो थी ट्रांसफ़र करने में ख़राब हो गई थी, लेकिन अपने आप ही अब चलने लगी है, ठीक हो गई है। इसमें मैंने मेथी दाना लगाया है, देखिए मेथी दाना भी आना शुरू हो गया है, और वो जो आगे वाला है उसमें कुछ साग ही है, ये भी साग लगा रखा है मैंने। अब बहुत सारे मैंने नए गमले तैयार किए हैं अभी, ये फ्रेंच बीन्स हैं उसकी हैं, देखें ये पौधा ऊपर जाता जा रहा है, इसको मैंने यहाँ से बांध दिया और इसमें नेट में चढ़ा दूँगी धीरे धीरे करके। ये मेरी टंकी टूट गई थी, इसमें मैंने बहुत सारे बीज लगा दिए, जैसे ही वो बन जाएंगे ना पौधे उनके सारे, फिर मैं गमलों में ट्रांसप्लांट कर दूँगी सब। और ये देखें इनमें भी बीज लगे हैं, शिमला मिर्च के, टमाटर के, बैंगन के, सफ़ेद बैंगन, गोल वाले, पर्पल बैंगन, वो सब। और ये एलोवेरा जो था मैंने छांट के कुछ तो फेंक दिया, और कुछ छोटी छोटी जो पौधे आ रहे थे वो मैंने इसमें लगा दिए, क्योंकि एलोवेरा बहुत आसानी से उगने वाला पौधा होता है। ये देखें इसको बस ऐसे ही फेंक रखा है, लेकिन फिर भी ये लग रहा है। और ये वाला जो है हर्बल हर्ब होता है कोई, और उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये अंगूर की बेल है, जा रही है, 2 साल हो चुके हैं इसको आए हुए। और ये छोटे छोटे सब इसमें बीज लगे हैं, इसमें गाजर के बीज लगा रखे हैं, वो चकुंदर लगा रखा है, क्योंकि भूल जाते हैं ना इसलिए लिख दिया है। उसमें सफ़ेद बैंगन लगे हुए हैं, और इसमें भी शायद कुछ लगा है, हाँ इसमें कटीला पालक लगा है, पता नहीं कैसा होता होगा मुझे नहीं मालूम है। ये वाली जो है नई तोड़ी जो होती है
अलग तरह की तोरी होती है वो लगा रखी है। और ये देखें आप, इसमें मैंने लगाए थे ये, देख रहे हैं ये अरबी के पत्ते आ रहे हैं। मैं मार्केट से अरबी ख़रीद के लाई थी तो उसमें 3-4 अरबी में पत्ते आने शुरू हो गए थे, तो उसे मैंने गमले में लगा दिया है। सो ये अरबी के पत्ते बनने लगे हैं। सो मेरे यहाँ पे आपको सारी चीज़ें यूज़ में लेती हूँ मैं। ये यहाँ पे तोरियाँ लगी हुई हैं, तोरी की फर्स्ट हार्वेस्टिंग है। अब देखो कितने दिन में, ये अभी 2-3 तो मेरे ख्याल से 10-15 दिन में ही हो जाएंगी तोड़ने लायक सारी। कितने दिन में होंगी ये नहीं पता, लेकिन इस बार मैंने अपने टेरेस गार्डन में बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च कर दिया और टाइम भी बहुत दिया और मेहनत भी बहुत की। अब देखो इसका फल मुझे कैसा मिलता है। ये सब टमाटर के पौधे हैं, ये सूखने लगी हैं, ये काट दी जाएंगी, नहीं तो ये पौधे को पनपने में थोड़ा सा परेशान करती हैं। तो ये जो पीले पत्ते होते हैं ना, इनको तोड़ देना चाहिए, और चाहे तो इसको इसी में डाल दें, क्योंकि यही बाद में जाके खाद बन जाती है। ये देखें ये और निकल रहा है एक टमाटर का पौधा। घास हर चीज़ में दिखेगी आपको निकलती हुई। ये देखें इसमें तो फूल भी आ गया है, ये देखें ये फूल भी आ गया। अब इसमें ये टमाटर बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। ये बैंगन के हैं, और जो बैंगन के थे ना, तो उसमें जगह नीचे की मिट्टी तो फालतू ही रहती है, तो उसमें भी मैंने धनिया लगा दिया है, क्योंकि धनिया तो सर्दियों में जितना मर्जी खाओ बहुत खाया जाता है, लेकिन कम से कम 2-3 घंटे मुझे यहाँ पे देने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं रोज़ के, अगर मुझे अपने पौधों को सही रखना है तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा झड़ते हैं इसके पत्ते, पीले पीले हुए जा रहे हैं, डायरेक्ट धूप पड़ती है तो काफ़ी हद तक। और ये देखें इसमें भी पर्पल बैंगन आ रहा है, ये चूचू बैंगन है, छोटा सा बैंगन ही रहता है, ये बहुत बड़ा नहीं होता, ये छोटा ही रहता है। और ये फलियों का है लेकिन ख़राब हो गया है, बढ़ नहीं रहा, इतने का इतना ही है, पता नहीं क्या हुआ इसे, शायद इसके मैंने पत्ते नहीं तोड़े थे इस वजह से नहीं बढ़ रहा है। तो इनकी साथ साथ में ना देखभाल बहुत करनी पड़ती है। बस मैं इसको थोड़ा सा और देखूंगी, अगर नहीं बढ़ा तो मैं इसको उखाड़ के फेंक दूंगी और इसकी जगह इसमें कोई बड़ा पौधा लगा दूंगी, जो कि लो जी खुद ही उखड़ गया, वो ख़राब हो चुका है। ये बैंगन का पौधा है, इसमें सफ़ेद बैंगन आएंगे, और ये मैंने इसमें करेले के बीज लगाए हैं। सो ये बेल मेरी यहाँ चढ़ जाएगी, और ये कद्दू के की बेल है, देखें अब ये नेट पकड़ ली है इसने, ये नेट पे जाना शुरू हो गया है, और यहाँ पे देखें इसके ये फूल आएंगे ये सारे लाइन से एकदम, लेकिन ये सारे मेल फूल है, फीमेल नहीं है। फीमेल फूलों के लिए ना हमें इसको ना यहाँ से जो इसका ये डंडी है ना, ये तोड़नी पड़ेगी, जब हम इसको तोड़ेंगे तो जाके इसमें और ब्रांचेस निकलेंगे और उसमें जाके फिर फीमेल फूल आएंगे। ये देखें ये मैंने आगे से इसको तोड़ दिया है, और ये नए बीज लगाए थे मैंने, उसके भी पौधे आ गए हैं, 5 लगाए थे लेकिन 3 आए हैं उसमें से। और ये देखें ये जो है गोल घिया, उसके बीज लगाए थे वो भी आ गए हैं, लेकिन घास मुझे यहाँ पे सर गमले में फ्री में मिल रही है, बिना बात की उग रही है। ये फ्रेंच बीन्स और ये सब चलती नहीं है ज़्यादा, पता नहीं क्यों नहीं चलती हैं। सो ये देखें पीपल के 2 पौधे उग गए थे खुद ही, और ये देखें फलियाँ आ रही हैं, लेकिन इसमें इतना ज़्यादा ये लग गया है ना कीड़ा, अभी मैंने इसमें स्प्रे किया है नीम के ऑयल का, तो काम वाली बता रही थी कि इस पर छिड़कनी पड़ती है राख, तो वो आज अगर राख ले आएगी तो इसमें मैं पूरी छिड़क दूंगी, तो राख से क्या होता है कि ये कीड़े सब हट जाते हैं, इसकी वजह से ये फल भी नहीं दे पा रहा ढंग से। ये देखें और ये खाली गमला है, ये भिंडी के हैं, ये देखें इसमें भिंडियाँ आनी शुरू हो गई हैं, और ये जो है टिंडे की है, और ये भी भिंडी है, इसमें देखिए भिंडी आ गई है, अब इसमें इसके फूल बनेंगे फिर उसमें से भिंडी आएगी। सो आपको कैसा लगा मेरा टेरेस गार्डन,
अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहले फैला हुआ था पूरा, अब मैंने इसको पूरा दीवार दीवार के सहारे कर दिया और बीच में पूरी जगह खाली हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे यहाँ पे आराम से खेल भी सकते हैं। और ये जो है ये चीकू का पेड़ है, ये वाला देख रहे हैं, ये चीकू है, ये कनेर है, और ये कोई पौधा किस चीज़ का पता नहीं, खुद ही उगा था। ये नींबू है, मकई है, गुलाब का, पपीता, और वो मोती के फूल। तो ये पूरा लुक जो है वो कुछ इस तरह का हो गया। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा। ये पूरा जो था पूरा ऐसे भरा हुआ था इधर कि पूछो नहीं, छत पे इतना सामान रहता है। सो मैंने काफ़ी हद तक तो सफाई करवा दी है, अब इसको थोड़ा सा वो टाइम लगेगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।